यो 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 व्हाट्सएप नंबर दे दो लोंडियो। तो यार आज हम लोग लेके आए हैं टॉमी वर्सेस द वर्ल्ड। भाई टॉमी वर्सेस द वर्ल्ड गेम प्ले में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा टॉमी लेवल 1 है और एबिलिटी है लेवल 8, यानी कि 4000 से लेके 5.5 या 6500 तक का डैमेज है। 6000 के अंदर सारे मूव्स का डैमेज है, मतलब एक ब्रेकर है जो करीब 6000 के आसपास है, 5800 या 5900 का है। स्ट्राइक है 5400 का, फर्स्ट स्लॉट का स्ट्राइक है 4100 का, एंड जो डिफेंस है वो 3900 का है, ठीक है। तो करीब 4000 से लेके 5500 के बीच भी सभी मूव्स का डैमेज है। और सामने वाला बंदा जो है विसलिंग बर्ड्स लेवल 5 लेजेंडरी, समझ लो लेवल 1, 2, 3, 4 नहीं है भाई, सीधा लेवल 5 लेजेंडरी। तो लंबा वाला मैच चलने वाला है और हम लोग इसको कैसे हर अरे तेरी भाई, इसका जादू टोना रंडी रोना बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि ये है लॉन्ग रेंज और इसका स्ट्राइक का डैमेज बहुत ज़्यादा बवाल है। तो और तो और यार इसके मूव्स भी चेंज होते, और ये चाहता है कि मुझे रस्सी से बांध ले एंड उसके बाद ये मेरे को सूते, तो ये तो मैं कतई होने नहीं देने वाला, क्योंकि भाई तुम्हारा प्रो है और उसके सामने सभी लोग फेल। यह देखो टीम वर्क देख लो, टीम वर्क कितना खतरनाक। आ जा ब्लॉक, ठीक है, नाइस शॉट, मारने का ट्राई करा भाई। ये पता नहीं क्यों मेरे को चोमू समझ रहा भाई, कतई भाई ये कैंसिल नहीं किया इसने स्ट्राइक को, उसको लग रहा होगा मैं नूबड़ा बंदा, मेरे पास शील्ड विल्ड तो है नहीं। KDPS चैंपियन जूनियर, क्या बात। वाइट निंजा, भाई देखो टॉमी वर्सेस द वर्ल्ड में वाइट निंजा भी है, क्योंकि वाइट निंजा एक प्रो खिलाड़ा, और आज जितने भी प्रो खिलाड़ा है ना, आज हम सभी के साथ टॉमी का बैटल करके दिखाने वाले हैं, और आपको पता चलेगा कि भाई टॉमी बेटर है या वर्ल्ड बेटर है, समझ रहे हो। मतलब टॉमी वर्सेस द वर्ल्ड आपस में फाइट होगी, जितने भी प्रो प्लेयर हैं सबसे टॉमी की फाइट कराएंगे आज अपन, और सबकी हेल्थ 50000 या इसके ऊपर ही होगी। अगर कोई इक्का दुक्का आगे गलती से तो उसको मतलब समझ लियो कि मैं गलती से बस बढ़ गया ये बैटल, समझ लो। तो यहाँ पे जो है अपना स्कॉर्पिना मारा इसने, ठीक है, 103 का, वो मैक्स अपग्रेड है भाई, स्कॉर्पिना मैक्स है भाई, 7 तो नहीं है मतलब 6 है, लेकिन एबिलिटी 11, 12 है उसकी स्कॉर्पिना की। तो 56000 हेल्थ है, 57 अराउंड है, 57000 हेल्थ इसकी टॉमी की, मतलब वाइट निंजा की। और अपने पास है मास्टर मॉफर, ओ भाई साहब ठीक है, अगर मैं नहीं मारता ना तो मुझे नहीं पता था कि ब्रेकर मारता या स्ट्राइक, क्योंकि इसके पास तो स्ट्राइक और ब्रेकर दोनों ही है, इसलिए सेफ रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, और इसका ब्लॉक कर लो, ठीक है कर लिया। ओके यहाँ पे स्ट्राइक है रेड टर्बो 5, बहुत हार्ड ये बात खतरनाक स्ट्राइक, ये बात खतरनाक स्ट्राइक। तो भाई साहब सामने एक स्पार्क ट्रक्स, भाई लेवल 7 तो नहीं है ये, जहाँ तक मुझे पता है लेवल 7 वाला बंदा ही। ओके टॉमी वर्सेस क्या मैजिशियन का नाम क्या है, इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, लेकिन भाई ये बहुत खतरनाक है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रीट फाइटर का कैरेक्टर्स में सबसे बड़ा वाला विलेन है यही है। तो भाई देखो टॉमी वर्सेस, अगर मैं इसकी बात करूँ पता नहीं मैं हारने वाला हूँ कि जीतने वाला हूँ, बट फिर भी देखो, अरे ब्लॉक, ठीक है नहीं कोई फायदा नहीं हुआ, उसकी फर्स्ट किक के बाद सेकंड किक तो पड़ी जाती है, और ब्लॉक तो दबता ही नहीं उस टाइम कतई भी भाई, कसम से नहीं दबता उस टाइम। ओके ठीक है आजा, ब्रेकर मारेगा ना, ब्रेकर ही मारिस, देखा भाई ब्रेकर ही मारिस, ठीक है आजा एबिलिटी टाइम, वो भाई सोहब एबिलिटी टाइम पहले ही फेल दिया उसने। तो लेवल 7 भाई मैक्स है यार उसका, भाई तो औकात से बाहर था बैटल। राकेश देसारी, ओहो भाई टकलू आया है जॉर्डन, और जॉर्डन बहुत फास्ट है, और बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं कि टॉमी, मतलब मैं टॉमी से खेल रहा हूँ ना, तो कहते हैं अगर मैं अगर टॉमी से खेल रहा हूँ, सामने वाला कोई और टीम यूज़ कर रहा है, मैं उसे हरा दे रहा हूँ वो भी परफेक्ट, तो वो मेरे को बोल रहे हैं कि भाई अगली बार ना जॉर्डन लेके आऊँगा और औकात दिखा दूंगा। तो आज इसीलिए मैं जॉर्डन के साथ भी मैच रखा हूँ, और छोटे मोटे प्रो प्लेयर के साथ नहीं, राकेश देसारी भाई आप लोग जानते हो ये भी बहुत अच्छा प्लेयर है, और भी आगे मैच में और भी ज़्यादा प्रो प्लेयर्स को रखूँगा, मतलब और भी प्रो प्लेयर्स के वीडियो है आगे, इस वीडियो में बने रहो, आगे और भी प्रो प्लेयर्स के साथ, क्या बोल दिया मैं, प्रो प्लेयर के साथ बैटल है। तो कुल मिला के अभी स्किल्स का टाइम है गाइस, दिखा देते हैं टॉमी भी पावरफुल है, और टॉमी के साथ मैक्सिमम आप लोगों ने कितना हिट किया है वो दिखाना अगर आपके पास टॉमी है। मैंने तो भाई 24 तक ही किया है, वो बात अलग है मैं तब रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, शायद से मैं इसी वीडियो में किसी में हो तो मैं दिखा भी सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ब्रेकर ओके, मैं सोलो द ड्रैगन इसलिए नहीं मार रहा अभी क्योंकि वो था, क्योंकि उसका एबिलिटी भरने का वेट कर रहा था मैं ना, कि 4 की भर जाए और टॉमी 5 रेड टर्बो मार सकूं मैं, लेकिन वो पड़ेगा नहीं तो मैं ग्रीन स्ट्राइक मारूंगा, ठीक है ग्रीन स्ट्राइक ना स्ट्राइक, ठीक है ओके टॉमी रेड टर्बो 5, ठीक है आराम से पड़ गया। तो भाई साहब देखो सारा काम होता है प्ले स्टाइल का, ठीक है, और INDSign, ओहो हो
देखो यार, अभी आजकल ट्रेंड में था, अब थोड़ा सा कम ट्रेंड में हो गया है अयोन। ठीक है, अयोन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अयोन के सामने कोई टिकता नहीं है, ये आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी हम पंगा ले रहे हैं। और 52.6K इसकी हेल्थ है, 52 यानी 52,000 प्लस इसकी, 52,500 मान लो आप, 52,500 हेल्थ है, और मेरी हेल्थ है 44, 44.5 ऐसा भी कह सकते हो। और देखो यार, 8 से 10 हज़ार हेल्थ का, करीब करीब 8,000 का हेल्थ का डिफरेंस है, और यहाँ पे उसका लेवल 4 है, मेरा लेवल 1 है, इतना बहुत डिफरेंस है यार। मतलब उसका मैक्स है कम से कम 10-11 एबिलिटी, और मेरा तो 8 एबिलिटी मिली, फिर भी अपन ट्राई। अरे यार स्टन, ठीक है चलो दोनों हुए ना, कम से कम मैं अकेला तो नहीं हुआ ना, मतलब मैं अकेला अगर होता तो वो मारता बहुत भीड़ू मेरे को, इसलिए दोनों हुए तो ज़्यादा अच्छा हुआ, मेरा भी पड़ा। अरे यार एक तो इसकी शॉर्ट रेंज लेग हाइट बहुत बहुत दिक्कत करता है भाई। ओके ठीक है, किया बहुत सही, बहुत सही नाजिम, नाजिम मज़ा ना आ रिया। ओके अब मज़ा आएगा, अब पूरा मज़ा आएगा, पूरा फुल मज़ा आएगा भाई। एक एबिलिटी, उसके बाद मॉफर डिस्ट्रप्टर एंड स्पेयर चेस्ट, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, स्पेयर चेस्ट कल्ला ही मार दूँ काम हो जाएगा, अब तो स्पेयर चेस्ट से ही काम हो जाएगा भाई। 2600 का हेल्थ रह गया था बस इसका, स्पेयर चेस्ट बहुत है इसके लिए, एक एक मूव के लिए काफ़ी होती है। तो आओ चतरुड़ी के, अब कौन आ रहा है, वी विलेन भाई। देखो अगर मैं बहुत बात करूँ कि एपिक, लेजेंडरी और रेयर, तो सब में से सबकी मैं दिखा चुका हूँ, एपिक भी दिखा चुका हूँ, लेजेंडरी भी दिखा चुका हूँ, कि लेजेंडरी कैरेक्टर जो प्रो प्लेयर्स हैं उनके साथ कैसे डील करेगा टॉमी। अब हम लोग दिखा रहे हैं जो रेयर कैरेक्टर है, जो रेयर में बेस्ट कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं, यहाँ तक कि ये स्ट्रीट फाइटर का भी बेस्ट कैरेक्टर है हीरोज़ में, मतलब कहने को बोल दो गैल, गैल जितना लंबा गैल होती उससे ज़्यादा लंबा इसके गैल होती, समझ रहे हो। तो गैल के साथ है और 55 के हेल्थ है, करीब करीब 100 हेल्थ की बात है, वरना 55,000 हेल्थ है मेरी, 44 उसकी 55, भाई 10,000 प्लस हेल्थ का डिफरेंस है, और वो मैक्स है, और मैं समझ रहा हूँ ना, वो अंत है, और मैं अभी शुरुआत हूँ, समझ रहा हूँ, वो अंत कर चुका है दुनिया का, मैं स्टार्टिंग में ही हूँ अभी, वो मैक्स है भाई, मैं तो अभी नूबड़ा, फिर भी अपन ट्राई कर रहे हैं। और ये फ़ायदा मेरे को अच्छा मिल जाता है इसका, सोलो द ड्रैगन का, ये थोड़ा देर तक चलता है, देखो ना यहाँ मैं 2 हिट 3 4 5 6 7 7 हिट मारता है पूरा भाई, और ये उसके बाद स्पेयर चेस्ट, और मैं मॉफर डिस्ट्रप्टर मारेंगे काम हो जाए। ओके स्ट्राइक ही मारी थी उसने, क्या बात, मतलब तुक्का मेरा सही था, उसको लगा कि मैं ब्रेकर मारने वाला हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मैंने मारा मॉफर डिस्ट्रप्टर, एकदम डिफेंस कलम खत्म खत्म। मॉन्स्टर एनर्जी भाई, देखो जॉर्डन के साथ पहला बंदा आया नूबड़ा ऐसा मैं बोल सकता हूँ और आप लोग भी समझ सकते हो, लेकिन ये बंदा नूबड़ा नहीं है भाई, 57.856 हेल्थ है भाई उसकी, भाई 57K करीब करीब 58,000 हेल्थ है, मैक्स लेवल है, असिस्ट भी लेजेंडरी लेवल 6, एपिक लेवल 8, और जॉर्डन भी लेवल 6, मतलब कुल मिला के कह सकते हो कि टीम 98% मैक्स है, और मेरी कहाँ 54% भी मैक्स नहीं है भाई, मतलब समझ रहे हो ना, सिर्फ मेरा असिस्ट अच्छा है बस, उसके भरोसे ही मैं खेल रहा हूँ, बाकी मेरा टॉमी तो तुम जानते ही हो लेवल 8 की एबिलिटी के साथ खेल रहा हूँ मैं, लेकिन अरे भाई साहब मुझे लगा कि मैं गया, लेकिन बच गया भाई, बच गया प्रो प्लेयर तुम्हारा, तो इसलिए आज हम लोग, अरे वाह क्या बात, ये तो ब्लॉक ही नहीं कर रहा, अखंड लेवल चूतिया लग रहा मेरे को, ओहो हो अखंड, अरे ओके पहला तो मार दिया इसने एक, अभी देखो इसका इसका एक मिनट इसका मिडल स्लॉट का स्ट्राइक मेरे को नहीं पड़ना चाहिए, अगर वो पड़ा तो समझो तुम्हारा भाई ख़त्म, समझ रहा हूँ ना, ख़त्म एकदम। और मैं सोच रहा हूँ एबिलिटी मार ही देता हूँ, क्योंकि अगर इसका पड़ गया ना उसके बाद ये एक कॉम्बो में ही ख़त्म कर जाएगा, इसलिए एबिलिटी मारना ही फायदे की बात है। उसके बाद स्पेयर चेस्ट मारेंगे, उसके बाद अगर मेरे पे अगर कॉम्बो आ गया तो मैं मरूंगा रेड 5 टर्बो, ये बात क्या बात क्या बात, इसको लगा मैं डिफेंस में, ये बात क्या प्रेडिक्शन है मेरे भाई, वाह क्या, अरे वाह डिफेंस, अरे भाई ये क्या बात क्या बात, इसको कहते हैं जॉर्डन की कह के ले लेना, इलाइट का प्लेयर मॉन्स्टर एनर्जी, समझ रहे हो, लेवल 1 से सूतने अक्षय 395, ओहो रेड एसपीडी, अब बहुत लोग बोलेंगे एसपीडी रेड तो खतरनाक प्लेयर है, आओ तो एसपीडी रेड के साथ भी खेल के दिखाते हैं, और अक्षय 395 भी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक प्लेयर है, इसलिए हम मतलब मॉन्स्टर एनर्जी अक्षय 359 है ना, ये सब छोटे मोटे प्लेयर नहीं है भाई, ये सब तुम समझ लो बाहुबली टाइप प्लेयर है, और बाहुबली टाइप वालों को मैं लेवल 1 से मारता हूँ, तो इस चीज़ से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारा भाई कितना ज़्यादा अखंड प्रो लेवल आदमी है, समझ रहे हो। पुष्पा भाव से भी थोड़ा एक दो कदम आगे ही हूँ मैं, तो चिंता मत करो, अपनी तारीफ खुद ही करता हूँ, क्योंकि तुम लोग तो करते हो नहीं, फायदा क्या, इसलिए मेरे को करनी पड़ती है यार, मजबूरन आदमी हूँ, समझ रहे हो। तो यहाँ पे डबल डिफेंस के साथ सामने वाला लौंडा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, उसने ली शील्ड, मैंने मारा उसके ऊपर एक बैट का चस्का, लेकिन पड़ा नहीं स्पेयर चेस, उसने मारा एक छक्का, मैंने मार दिया शील्ड, उसने मारा ब्रेकर, काम हो रहा है खत्म, लौंडे पहले बहुत जा रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं, टाउन भी पेल रहा भाई, टाउन भी मारा, मैं मारूंगा एक स्ट्राइक, उसके बाद व्हाइट एंड ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट, जंजी जो रेस्क्यू, व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक ज़्यादा बढ़िया, बहुत लंबा रेड टर्बो 5, ओके
रेड टर्बो 5 20 हिट हो गए भाई साहब, 20 हिट हो गए मार एबिलिटी 20 हिट, और ये 27 हिट हो जाते करीब करीब है ना। अगर मैं एबिलिटी उसी टाइम मारता तो 27 हिट हो जाता मैं, क्योंकि 20 हिट तो हो चुके थे। लेकिन मैंने क्यों नहीं मारी एबिलिटी, क्योंकि तुम्हारे भाई को मैच जीतना है, ना कि काउंट दिखाना, समझ रहे हो, काउंट नहीं दिखाना मेरे को, मैच जीतना। और मैच जीतने के लिए कॉम्बो बनाना पड़ेगा, और कॉम्बो बनाने के लिए वेट करना पड़ेगा, वेट करने के लिए लौंडे को मौका देना पड़ेगा मानने का, समझ लो। तो इसी के साथ अक्षय भैया भी निपट लिए हैं बहुत। अथर्व ओके ओके ओके, रेड निंजा, रेड निंजा, रेड निंजा लेवल 3 है, एबिलिटी बहुत हार्ड है, 10-10 एबिलिटी है, बहुत अच्छा लौंडा प्रो प्लेयर है। मैंने कल एक मैच भी डाला था इसका, एक मिनट की क्लिप जिसमें ये परफेक्ट हार गया था, समझ लो। तो आगे हम लोग दिखा रहे, तेरी स्पेयर चेस्ट मारूं, ठीक है आगे बढ़ो। देखो यार, प्रो प्लेयर्स की बात हो रही हो और जिसमें रेड निंजा ना आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेड निंजा ऑल्सो एक स्पैम स्लॉट वाला कैरेक्टर है, जिसमें कि इसका मिडल स्लॉट पूरा स्पैम है, जहां से भी मारो साला पड़ी जाता है। और फिर भी ये लौंडा मेरे को ऐसा लग रहा है कि नूबड़ा है, ऐसा मुझे लग रहा है। अथर्व वैसे मतलब व्हाइट निंजा के साथ तो अच्छा खेलता था भाई, अभी ये इसको क्यों उठा रखा, ये कुछ समझ नहीं। ओके मार रहा, मुझे लग रहा है कि ये मार रहा है। ओके मारने दो बहुत। अरे यार ठीक है ओके भाई, देख लो स्पैम, फर्स्ट स्लॉट तो टच ही नहीं कर रहा, वो मिडल स्लॉट ओनली खेल रहा भाई, बिल्कुल रामी आदमी एक नंबर का, फिर भी तुम्हारा भाई प्लो प्लेयर है, समझ लो। एबिलिटी मारने का मौका आ गया है। ओके 700 की हेल्थ, चलो ठीक है, पेलम ठीक है। अथर्व भाई पहले अच्छा था, अब नूबड़ा हूँ, अथर्व का कुछ नहीं कर सकता। तो रेड निंजा को भी भाई मैंने मोड़ दिया उसके 6500 रुपये पे। यहाँ पे है फनवे ओके वाइट निंजा गेन इन द वाइटल, तो ओके फनवे है 57000 हेल्थ, यानी 57000 भाई, 57000 बहुत होती है यार, करीब 15000 हेल्थ का, सॉरी 14000 हेल्थ का डिफरेंस है, 13-14000 का हेल्थ का डिफरेंस है। और तुम्हारा भाई टेंशन नहीं लेता यार, तुम्हारा भाई टेंशन देता है बिडू, समझ लो। ये देखो एबिलिटी टाइम, इसकी एबिलिटी आने से पहले इसकी हेल्थ 50% लेके आनी है, उसके बाद में इसे देख लूँगा, समझ लो। स्पेयर चेस्ट टॉमी के साथ मुझे ये असिस्ट लगाने का एक बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि दोनों के दोनों असिस्ट में मैं मतलब मूव रिकवर करने के एक दो मूव रिकवर हो जाते हैं, और मिडल स्लॉट से भी एक दो मूव रिकवर हो जाते हैं मेरे, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को मारने का टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, और मतलब अच्छा मिल जाता है, समझ लो। मूव रिकवर करने में बहुत सही लगता है मेरे को, क्योंकि भाई फ़ायदा ही उस चीज़ का है, अगर टॉमी में मूव रिकवरी नहीं होगी तो टॉमी नहीं जीतेगा किसी। इसके बाद ट्रिपल स्लॉट में ट्रिपल शील्ड है, और मेरे पास फर्स्ट स्लॉट में सिर्फ एक ही शील्ड है, इससे तुम जान सकते हो कि मैं प्रो प्लेयर हो गया, क्योंकि मैं शील्ड बचा के ही नहीं रखता, मैं शील्ड यूज़ कर लेता हूँ, मैं एक स्लॉट से ज़्यादा शील्ड आ जाती है तो मेरा दिमाग ख़राब होने लग जाता है कि मैं क्या करूँगा, है ना, इसलिए तुम्हारा भाई शील्ड यूज़ कर लेता है। 20 हिट तो अभी भी हो चुके हैं, और ये 21वां हिट पड़ने से पहले मूव काउंट चला गया, वाह क्या बात, वो हो क्या बात, आजा भाई चल शील्ड मार लेंगे। ओके मारिस, गधा आदमी है, कतई गधा मजदूरी करने वाला आदमी है, अबे जब सामने से शील्ड दिख रही है तो उससे स्ट्राइक मारने की क्या ज़रूरत है, चलो ठीक है पेल दिया। बहुत हार्ड टॉमी लेवल 1 खतरनाक लेवल, टॉमी वर्सेस द वर्ल्ड में ऑलवेज विन करेगा टॉमी, क्योंकि भाई मैं खेलूंगा तो टॉमी विन करेगा। और अगर बात करें एपी कैरेक्टर्स में उसके बाद खतरनाक कौन सा कैरेक्टर जॉर्डन के बाद, तो भाई ये देखो राजा भैया चला रहे हैं अपना मर्क्यूरियन रेंजर, यानी कि अपना टाइजोन द मक्यूरी रेंजर, मर्क्यूरी रेंजर, समझ रहे हो, मर्क्यूरी रेंजर। यहाँ पे टाइजोन भाई बहुत पावरफुल है, फास्ट भी है, डैमेज भी अच्छा है, लॉन्ग रेंज भी है, एपिक में भी है, अपग्रेड भी कर सकते हो तगड़ा वाला। कुल मिला के 36 के 36 गुण हैं इसके, लेकिन मैं इसके 36 के 36 गुण पे कैसे गू करने वाला हूँ, मतलब गुड़ पे कैसे अपना गू करने वाला हूँ, ये देखना आप तुम। खतरनाक वाला कॉम्बो बना के मैं इसे ऐसा मारने वाला हूँ, इसने सोची भी ना होगी भाई। तो तुम्हारा भाई खेल रहा है नशा करके, चरस वरस मंगा के फूक रहे हैं हम लोग आजकल, 12 रुपए की बहुत सस्ती वाली मिलती है हमारे गांव में, मतलब बहुत महंगा आइटम उधर, इधर बहुत सस्ता मिलता ठीक है। ओके तो चलो आओ, ग्रीन स्ट्राइक है अपने भाई, अरे तेरी महंगी, ओके डिफेंस था अपने, आया डिफेंस ओके इसी बात पे एक ब्लॉक, ओहो क्या बात, 1000 2000 3000 का डैमेज बस भाई, 3900 का इसका डिफेंस है, 3000 का डैमेज दे रहा बस, गजब आदमी। ओह भाई मेरा एक शील्ड गया, एक स्ट्राइक गया, स्ट्राइक के साथ लग रहा कि ये मुझे सूट देगा भाई, इतने सारे करेक्टर्स आए जिसमें से सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइजोन ही बहुत अच्छा है जो मुझे हरा सकता है, लेकिन इसकी ऐसा कैसे भाई साहब ऐसा, अगर मैं ऐसे छोटे मोटे क्लच नहीं करूँगा तो क्या फ़ायदा मेरे पीरो होने का, समझ लो क्या फ़ायदा मेरे पीरो होने का। इसलिए अगर इस क्लच को देखने के बाद कोई प्रो बन जाता है तो मेरी कोई गारंटी नहीं भाई, अपने अपने रिस्क पे देखो, प्रो बन जाओगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए ब्लैक एंड वाइट मारेंगे हम लोग, क्योंकि वो ज़रूरी है ज़िंदगी में ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद स्ट्राइक बहुत हार्ड, तो यहाँ पे लास्ट हिट पड़ेगा और काब हो जाएगा।
और हो गया है 1226 का डैमेज था इसके लास्ट हिट पर, बहुत हार्ड। तो भाई साहब इसी तरह आपने देखा कि मैं लास्ट हिट में कैसे क्लच कर देता हूँ। हाइब्रिड थ्योरी, ओ हो, प्रो प्लेयर्स की बात ना हो और ये नूबड़ा बीच में है। वैसे तो यार हाइब्रिड थ्योरी कुछ खास प्लेयर नहीं है। ओके क्या बात है, इसकी छः वाली कोस्ट का जो मैंने येलो रेंजर को जो किक किया, खतरनाक था भाई, खतरनाक था। ओके ब्रेकर मार दी। हाइब्रिड थ्योरी देखो, वैसे तो ये पे टू विन वाला करेक्टर है, ये इतना करेक्टर्स को इतना अपग्रेड कर लेता है कि कोई इसका एक साल का बच्चा भी अगर इसकी आईडी से खेलेगा तो जीत जाएगा। मतलब लेवल 5, 5, 6, 6, 7, 7 लेजेंडरी कड़े पड़ा है, इतना बड़ा नूबड़ा भाई, ये इतना बड़ा नूबड़ा है फिर भी ये ब्रोंज में पड़ा रहता है। मतलब अगर इतने लेवल का आईडी मेरे पास होता ना भाई, इलाइट लेवल 9-10 पे होता मैं रैंक पे, समझ लो इलाइट रैंक 9-10 पे होता मैं। लेकिन ठीक है यार, इसकी बेइज्जती करने से मैं प्रो थोड़ी ना बन जाऊंगा, मुझे तो खेलना इसके सामने बहुत अच्छा। इसके बाद ट्रिपल स्लॉट में ट्रिपल ब्रेकर है, मेरे पास डबल स्लॉट में डबल स्ट्राइक है और एक स्लॉट में डिफेंस है, वो चाहिए भी नहीं मेरे को इस्तेमाल करने का मौका। अरे तेरी एबिलिटी क्या मैंने मारी एबिलिटी भाई, देखो इससे बोलते हैं 99.9% प्रेडिक्शन, क्योंकि भाई मुझे लगा ही था कि वो लॉन्ग रेंज मूव मारने वाला है और मैंने उसका अंदाज़ा लगाया और मैंने मारी एक स्टेप बैक होके। अरे लेकिन बहुत बेइज्जती भाई, मुंह दिया इसने मेरी पूरी मेहनत के ऊपर। ठीक है मैं चाहता तो मैं जीत सकता था, लेकिन मैं क्यों चाहूँ, मेरे पे क्या क्या चाहने के लिए कुछ है भी। ओहो, प्रो प्लेयर्स की बात हो और अपना डैगरन ना है भाई, डैगरन 2-3 साल पहले एकदम बवाल था, अभी जितना खतरनाक बाकी करेक्टर से उससे 3 गुना खतरनाक डैगरन था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारा टीम का जो है मेंटर यानी कि रेड के भैया, ये नशे करके मेरे सामने खेलने आया है। और मैं स्टार्टिंग में मैंने देखा ही नहीं कि डैगरन लेके, मतलब मैचिंग करके ना मैंने छोड़ दिया, मतलब फ़ोन को साइड में रख दिया था। और जब इससे स्टार्टिंग में एक पूरा कॉम्बो मेरे पे मार दिया, फिर मैंने देखा कि मैचिंग भी हो चुकी है और रेड के आया मेरे बैटल में, तो मैंने कहा आपकी तो छोड़ना नहीं है इसको, अगले मैच में आया था देखेंगे, अभी तो रिकॉर्डिंग टाइम चल रहा गाइस। तो मैंने सोचा कि नशा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अरे यार एक तो नशा हो गया मेरे साथ। ओके एबिलिटी, अगर इसकी एबिलिटी आ गई तो मुझे ज़िंदा खा जाएगा ये, इसलिए इसकी एबिलिटी आने से पहले मैं इसको ज़िंदा खाने की व्यवस्था कर लेता। ओके डिफेंस, ठीक है नाइस, ब्लॉक था मेरे पास एक। देखो मैं अपनी एबिलिटी मारने के लिए पूरी व्यवस्था रे तेरी माँ की। ओके मैं एबिलिटी मारने के एक सेकेंड पूरी व्यवस्था में आया था। अब इसकी मेरे पास देखो 4 वाला ब्लैक एंड वाइट एंड ब्लैक है ब्रेकर, और इसका जंजीरो रेस्क्यू है। ब्रेकर का मुझे पता नहीं पड़ेगा नहीं, इसलिए जंजीरो रेस्क्यू मारा है। 3000 की हेल्थ है, इसने ले ली एबिलिटी, अब मेरे को ले डूबेगा। अरे मेरा स्ट्राइक, ओके चलो पड़ गया, ब्रेकर तो पड़ा नहीं स्ट्राइक पड़ गया, ये अच्छी बात कही। ओके ठीक, एक और ब्रेकर मारना, अगर इसके बाद डबल ब्लॉक है तो ये ब्लॉक ही दबाएगा, क्या बात ब्रेकर। तो यार ये वीडियो कैसा लगा बताना, टॉमी वर्सेस द वर्ल्ड अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो।